प्रधान नरेंद्र मोदी भाई मित्र हर रोज झाड़ू उठाकर सड़कों को साफ करने वाले हमारे भाई बहन कूड़े की बदबू को बर्दाश्त करते हुए कचरा साफ करने वाले हमारे साथी सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक हैं। कोरोना के कठिन समय में उनके योगदान को देश ने करीब से देखा है अनुभव किया है मैं देश की इन उपलब्धियों पर हर भारतवासी को बधाई के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इससे सुखद ये क्या होगा कि ये नई शुरुआत आज गांधी जयंती के एक दिन पहले ही हो रही है यह अभियान पूज्य बापू की प्रेरणा का ही परिणाम है और बापू के आदर्शों से ही सिद्धि की ओर बढ़ रहा है आप कल्पना करिए स्वच्छता के साथ साथ इससे हमारी माताओं बहनों के लिए कितनी सुविधा बढ़ी है पहले ही कितनी ही महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी काम पर नहीं जा पाती थी क्योंकि बाहर टॉयलेट की सुविधा ही नहीं होती थी कितनी ही बेटियों को स्कूल में शौचालय न होने की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी अब इन सब में बदलाव आ रहा है आजादी के पचहत्तरवे वर्ष में देश की इन सफलताओं को आज के नए संकल्पों को पूज्य बापू के चरणों में अर्पित करता हूं और नमन करता हूं साथियों हम सभी का ये भी सौभाग्य है कि आज ये कार्यक्रम बाबा साहब को समर्पित इस इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हो रहा है बाबा साहब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना इस हालात को बदलने पर इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है स्वच्छ भारत मिशनचा दुसरा टप्पा त्याचबरोबर अमृत मिशनचा अमृत मिशनच्या टप्प्याबद्दल आता पंतप्रधान संबोधित करत आहेत आणि त्याचबरोबर पंतप्रधानांच्या या संबोधनामध्ये शहर कचरामुक्त बनवायला कशा रीतीने प्राथमिकता दिली जाते आणि यामागे कशा रीतीनं यंत्रणा उभी राहिलेली आहे सहा वर्षात कशा रीतीनं स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली होती या सगळ्या या सगळ्या मुद्द्यांचा त्यांच्या भाषणात समावेश आहे एक ब्रेक घेऊन आपण परत भेटणार आहोत पहा फक्त न्यूज एटीन लोक